मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ जब मुख्यमंत्री आवास से निकले तो सबसे पहले वह पहुंचे खूंटी जिला के लतरातु डैम में, इसे लतरातु रिसोर्ट लोग कहते हैं, वहीं पर फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सभी विधायकों के साथ रुके हैं। मुख्यमंत्री जब लतरातु डैम पहुंचे उसके बाद यहां के जो बोट चालक हैं उससे उन्होंने बातचीत की। बोट चालक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ पर बोटिंग कराया, नौका विहार कराया। आप ही के बोट पर घूमे जी सर? क्या क्या बोले? बोले कि कहाँ से टर्निंग किया है, तो हम बोले कि गोवा से सर। अच्छा, तो आपके बोट पर कौन कौन था मुख्यमंत्री के अलावा? और बहुत सारे थे, हम नहीं पहचानते हैं। जी सर, नाम वाम पूछे? जी पूछे। क्या बोले? आपका क्या नाम है? हाँ। ऐसा तो बता दिए पूरा, सीताराम मुंडा है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ? ये सब नहीं पूछा सर। सीताराम जी, कहाँ से आप ये ट्रेनिंग लिए? गोवा से। गोवा से जी। ये जो ट्रेनिंग है ये सरकार करवाई है कि अपने पैसा से? सरकार करवाई। ये देखिए, ये झारखंड सरकार का, ये अलग है। हाँ। मतलब सरकार आपको ट्रेनिंग कराई है और यहाँ पर आप लोग बोटिंग हमेशा करते हैं? जी सर। तो इसके बदले में पैसा कितना मिलता है? पैसा तो अभी तो ऐसा फिक्स नहीं है सर। हाँ। जो कमाई होता है उसी में 60% हम लोग को मिलता है। हाँ। जो आदमी, जैसे हम आए घूमने तो हम अगर 500 दिए तो उसमें 60% आपने? हाँ हाँ, 40% गवर्नमेंट को। जी, आप बोले नहीं मुख्यमंत्री को भी कुछ फिक्स कर दीजिए? तो ऐसा बातें नहीं हुआ ना सर, वो घूमने में बिजी थे तो क्या बताएं। मौका मिला था बोलना? मौका मिला था पर सबसे आगे थे, हम पीछे थे तो क्या बात करें सर। जी और सर, आगे कौन था? आपके बोट में सिर्फ आप ही थे? यहाँ अकेले थे सर। आप लोग और कौन कौन था बोटिंग चलाने वाला? आपके बोट में कौन बैठा था? विधायक लोग बैठे थे सर। अच्छा, वो लोग क्या बात किए? बस वही बात कर रहे थे अपने आप में, हमको तो सुनाई नहीं पड़ रहा था इंजन का स्टार्ट से। आपसे नहीं बात की? नहीं, हमसे बस पूछ रहे थे कि यहाँ कितना दूर जंगल है, पानी कितना गहरा है। हाँ। यही सब पूछ रहे थे। यही सब पूछ रहे थे। तो ये आप लोग कितने दिन से यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं? एक डेढ़ साल हो गया सर। जी सर। हर दिन कितनी कमाई हो जाती है आप लोगों? अभी तो सर कुछ नहीं है, जनवरी से दिसंबर से होती है फरवरी तक जो कमाई होती है बस वही। और ऐसा छोटा मोटा घूमने उमने आता है तो यही है जो ये सीढ़ी के तरफ से जाके आप घूम सकते। जी जी। तो ये आप देखिए, इधर दिखाना चाहेंगे, ये जो गेस्ट हाउस है और इसके ठीक बगल में डैम है और वहीं पर जो लोग हैं आते हैं वो बोटिंग करते हैं और बोटिंग से जितना पैसा मिलता है उसका 60% इन लोगों को मिलता है और 40% गवर्नमेंट ले लेती है। ये 40% सरकार क्यों ले लेती है? शायद इसको विकसित करने के लिए सर। बोट किसका है, आपका है कि सरकार? नहीं, सरकार का है। अच्छा, आप सिर्फ चलाते हैं? हाँ जी। तो आप लोग तैराकी वगैरह सब सीखते हैं? जी सर। तो ये आप लोग यहीं कराने वाले? हाँ जी सर। तो कितना लोग आप लोग ये काम करते हैं? ये 10 कोई सब हैं आप लोग? सब कमेटी के लोग। कोई दिक्कत वगैरह यहाँ पर? हम लोग को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर। कमाई हो जाता है 1500? जी, थोड़ा सा कमाई अभी नहीं हुआ है, वही दिसंबर जनवरी आसपास होता है, अभी तो फिलहाल चालू हुआ सर। इनकम नहीं है अभी वैसे। मतलब सरकार इसके पर्यटन पर और थोड़ा ध्यान दे तो लोग आने लगेगा तो ठीक हो जाएगा। अभी कुछ और बनने का तैयार हो रहा है अभी। अच्छा, उसके बाद लग रहा है कि ठीक हो जाएगा? जी, आने वाला दिन में शायद कर दे। हाँ, फिक्स। हम लोग का भी मन यही कि कुछ कमाई हो जाए। आप भी बोट चलाते हैं? जी सर। टोटल कितना बोट है यहाँ पर? 5 बोट है सर। 5 बोट है? 5 बोट है। आप लोग आप भी चलाते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? हम चलाते हैं। आप भी चलाते हैं? हम लोग पार्किंग का टिकट काटते हैं। जी सर। वैसे आप लोग का ये ड्रेस है ब्लू क्या? जी सर। चलाते हैं ब्लू पानी? जी। दिखा दे इसको। अच्छा, ये देखिए, जमुनिया वाटर रिसोर्ट पार्क डुमरगढ़ी कर्रा, बोट चालक। तो इसको जमुनिया वाटर ये बोलते हैं? जी सर, ये हम लोग का नदी है ना, नदी आया हुआ है तो नदी के नाम पे ही हम लोग इस पार्क को रखे हैं। जी सर। आप लोग सोचे थे कि मुख्यमंत्री कभी बैठेंगे और आप लोग चलाइएगा? हम लोग नहीं सर, बहुत खुश हुए हैं सर कि बोट हम चलाए, मेरा बोट बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव में आज पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री जी, हम लोग सोचे भी नहीं थे। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का और देख रहे हैं कुछ कुछ, और कोई आ गए तो और अच्छा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कोई? बाबूलाल मरांडी, बहुत पहले जो नहीं बना था उस समय सर, 2002 में। हाँ, 2002 में। उसके बाद तुम बाबूलाल मरांडी बदल गए थे? जी सर, भी आए हैं शायद। रघुवर दास नहीं आए? रघुवर दास नहीं आए और फिर आना चाहिए। क्या क्या बोले ना? बोली बहुत अच्छा पार्क है, आप लोग आइए। हम लोग को यहाँ दिसंबर से अच्छा पिकनिक स्पॉट है, यहाँ जनवरी से लेकर फरवरी तक
स्पॉट में यहाँ घूमने के लिए अच्छा अच्छा नाव वगैरह है और पिकनिक स्थल है। आइए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा गेस्ट हाउस भी सुविधा है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in